स्टेट क्रिकेट क्लब वर्सेज एमएच वॉरियर के बीच ये मुकाबला खेला गया। कलेक्टेड क्रिकेट क्लब के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी मिली थी, कुणाल चंदेला ने एक बार फिर से अच्छा स्टार्ट किया, पर कुणाल चंदेला ने 37 रन बनाने के साथ ही अपना विकेट गंवाया। उसके बाद वो पारी लड़खड़ानी शुरू हुई और अंत में शाहिद ने 36 और उनके साथ में हरमन सिंह ने 30 रन की पारी खेली। इनके बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 153 रन 8 विकेट खोकर के बनाए। गेंदबाजी में कृष्णा यादव ने एमएच वॉरियर की तरफ से 4 ओवर में 30 रन देकर 2 सफलता हासिल की। विकास गुप्ता ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 सफलता और जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी एमएच वॉरियर की तरफ से कार्तिक सिद्धू कप्तान ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए और मुकाबले को 4 विकेट से जिता दिया है। आज का जो पहला अवार्ड है एयरटेल गेम चेंजर ऑफ द मैच, ये अवार्ड जाता है कुणाल चंदेला को 37 रन के साथ 2 विकेट। और ये अवार्ड आपको हमारे बीच में आरिज जी हमारे मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि आप ये अवार्ड कुणाल चंदेला को दें। एयरटेल गेम चेंजर थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड है प्लेयर ऑफ द मैच और यह अवार्ड जाता है एमएच वॉरियर के कप्तान कार्तिक सिद्धू को। जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा कार्तिक सिद्धू को प्लेयर ऑफ द मैच और यह अवार्ड 9 AM की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कार्तिक सिद्धू को। हमारे बीच में रफी हुसैन साहब कांग्रेचुलेशन कार्तिक, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपने इस मुकाबले में आपकी टीम के खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, बतौर कप्तान आपने गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में 42 रन बनाए। एक बड़ी टीम को आपने मात दी है जो लगातार इस टूर्नामेंट में लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है और उसको 4th मुकाबले में आपने मात दी है। कैसा लग रहा है एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी अच्छा लग रहा है अभी तो कि दोनों मैच जीते हैं हम भी, तो हमारी कोशिश यही है कि अभी आगे अगले 2 मैच अच्छे फिनिश करें और प्लेऑफ्स में जाएं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आने वाले 2 मुकाबलों में से उसे बेहतर फिनिश करना चाहेंगे और अंक तालिका में शीर्ष पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की भी संभावनाएं रहेंगी। हाँ जी, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि सबसे ऊपर फिनिश करें और देखते हैं आगे क्या होता है। जब आप आज खेलने के लिए आए थे जो एक स्ट्रॉन्ग साइड मानी जा रही थी कलेक्टेड क्रिकेट क्लब, जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कुणाल चंदेला और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आर्यन जोयल, इनके रहने के बावजूद क्या प्रेशर था मुकाबले को लेकर कि एक अच्छी टीम है जो निरंतर जीत रही है और आज उसको कैसे आप टेकल करेंगे, क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग तो सिंपल थी कि मुझ पे हमारी टीम में 5 स्पिनर थे उल्टे, तो कोशिश यही थी कि पावर प्ले में ज्यादा रन लीक ना करें और पता था कि एक ना एक टाइम आएगा कि हम कमबैक करेंगे, तो और वो कमबैक हुआ भी तो अच्छा, सब कुछ अच्छा रहा हमारी टीम। अभी तक ये टूर्नामेंट कैसा रहा है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट तो काफी अच्छा रहा है, अच्छी जब चांसेस मिल रहे हैं नए प्लेयरों को भी और जो पुराने प्लेयर काफी टाइम से खेल नहीं रहे उन्हें भी चांसेस देते हैं इस टूर्नामेंट में, ये भी अच्छी चीज है। आपने टूर्नामेंट तो बहुत सारे खेले हैं, मैं जिक्र कर रहा था कमेंट्री के दौरान की भी कि एक टीम को 4 मौके मिलना, लीग स्टेज के टूर्नामेंट आमतौर पर देखने को नहीं मिलते, नॉकआउट स्टेज के मुकाबले देखने को मिलते हैं जहां पर आप एक मैच हारते हैं और कई बार वो टूर्नामेंट से टीम एलिमिनेट हो जाती है, ये बड़ी मौका बड़ा मौका है खिलाड़ियों के लिए। हाँ जी, ये तो काफी अच्छी चीज है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छी टीम होती है और वो एकदम से पहले ही मैच हार के चली जाती है, तो और मतलब कि सब सोचते हैं कि ऊपर भी खेलेगी वो टीम फाइनल सेमीफाइनल, पर कई बार नॉकआउट्स में ऐसा हो जाता है, तो इसमें लीग स्टेज में हमें बराबर मौका मिलता है कमबैक करने का। आपकी टीम में कृष्णा यादव है, उभरते हुए खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका भी। हाँ जी, काफी अच्छी बॉल डाल रहा है वो कृष्णा और वो मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से कि इम्प्रूव करता जा रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं आपकी टीम ऐसे प्रदर्शन करती रहेगी और कप्तान कार्तिक सिद्धू का ये जबरदस्त प्रदर्शन आज के प्लेयर ऑफ द मैच कार्तिक सिद्धू रहे 42 रन के साथ। गेंदबाजी में भी इन्होंने विकेट चटकाए और आज एमएच वॉरियर ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया है। मैनवर सिद्दीकी कैमरामैन बादल के साथ एडीएस स्पोर्ट लाइव से बने रहिए आप लोग। एडीएस के मालिक शैलेंद्र और उनके कृष्ण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे।